अबे घंटे का भूत है, कौन सा भूत है? तो समझ नहीं आ रही है ओए, समझ नहीं आ तेरे को? बोलेगी बोल अपना, किधर है तुम्हारी वो बीवी? मैं अंदर रूम में। तुमने इतना अंधेरा क्यों कर रखा है? अंधेरा उसने खुद कर रखा है। तो वो उजाले में नहीं रहती? नहीं रहती उजाले में। वे 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 अबे क्या है यार? लाइट दो भाई, दिक्कत क्या? पता नहीं क्या दिक्कत है, दो दिन से। ओए क्या कर रही है? क्या कर रही है? भाई जरा संभालना, पकड़ लियो। ओए क्या ड्रामे कर रही है? वे देखे फैक्ट के, हैं फैक्ट के मान देते कुछ भी जो मिले। वे क्या कर क्या रही है? वे क्या कर रही है? वे हमेशा ऐसी करती है? हमेशा ऐसी करती है। शांत हो, क्या दिक्कत है? अबे घंटे का भूत है, कौन सा भूत है? पता नहीं कौन सा भूत है, हर जगह दिखा लिया ऐसे। क्या 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 ये है? मारूं मार दे रे। क्या दिक्कत है तेरे को? तो समझ नहीं आ रही है ओए, समझ नहीं आ तेरे को? बोलेगी बोल अपना, वे इधर देख, उतार दूंगा ये रैप्टर में बहुत सारा भी। समझ नहीं आ तेरे को? वे इधर देख, इधर रैप्टा मारूंगा भी एक बारी में, देख इधर आँख खोल, पानी पी है? पानी लेके, जल्दी लेके। थक गई? उतर गया भूत तेरा? हैं? कौन सी आत्मा रखी है? बोले ले पानी भी पी, पीने और पिएगी पानी? ले और भी ले। हैं? क्यों कर रही है ड्रामे? वे क्या हुआ? मेरा बच्चा चला गया, मुझे छोड़ गया, वो मुझे यहाँ नजर आता है, कभी वहां नजर आता है।
कहाँ गया तेरा बच्चा? कहाँ तेरा बच्चा गया? बता नहीं, मेरा बच्चा कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? तो इसलिए ड्रामे कर रही है सब? मुझे वो हंसा के नजर आता है। अभी कहाँ है? मुझे नहीं पता वो कहाँ चला गया। कुछ भी नहीं पता? नहीं। तो ये सब ड्रामे क्यों? मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। क्या करूं? ढंग से बता कि हुआ क्या है, जल्दी बता। कहाँ है तेरा बच्चा? मुझे नहीं पता वो कहाँ है, मुझे हर जगह नजर आता है वो, जहाँ देखती हूँ मुझे हर जगह नजर आता है। नहीं, वो देखो मेरा बच्चा वहाँ पे, वो देखो। वहाँ तो कोई नहीं है। मेरा बच्चा आ गया, मेरा बच्चा आ गया, मेरा बच्चा आ गया, मेरा बच्चा आ गया, क्या हुआ था बच्चे को? मेरा बच्चा क्या हुआ था? मेरा पति डेली मारता था उसे, डेली वो पढ़ाई कम करता था। मैं उसे बोलती थी कि वो पढ़ ले, पर उसको गुस्सा बहुत आता था, वो पी के आता था और वो उसे इतना मारता था, डेली मारता था। कभी कभी उसको उठा के बेड से नीचे फेंक देता था, कभी बालकनी से धमकी देती थी कि मैं उसे बालकनी से फेंक दूंगा, और मुझे पता नहीं वो बालकनी से फेंका कहाँ से फेंका। मैं एक दिन बाहर चली गई सामान लेने के लिए, उसके बाद वापस आई, मुझे मेरा बच्चा ही नहीं नजर आया। तो ये तुम्हारे बच्चे के खिलौने हैं सारे? सब मेरे बच्चे का है, सब कुछ। तो सब कुछ तुम्हारा पति? मेरा पति मुझे नहीं पता कहाँ चला है। पीने के बाद वो आता है, कभी आता है कभी जाता है, उसका खुद का नहीं पता, उसका खुद का नहीं पता। उसने मेरी जिंदगी खराब कर दी, मेरे बच्चे को मार के। तो ऐसे परेशान होने से कुछ हो जाएगा? आगे बढ़, अपना बच्चा दोबारा कर, कोई और कर। मैं कहाँ जाऊँ, उसके बिना मैं जी नहीं सकती। तो ये सब करने से क्या होगा? मुझे वो हर जगह नजर आते हैं। तो ये सब ड्रामे करने से क्या होगा? भूल जाओ उसे। मैं कैसे बोलूं, मैंने अपने 9 महीने पति कितने बजे आता है? उसका कोई समय नहीं है, कभी शाम को। पक्का पता है कि तेरे पति ने मारा उसे? उसने मुझे धमकी दी थी 2-3 बार की, अगर ये बात नहीं मानेगा तो मैं इसे बालकनी से फेंक दूंगा। और मुझे लगता है कि उसने करा ये सब, इसलिए तो मेरा बच्चा मुझे दिखाई देता हर जगह, कभी यहाँ कभी वहाँ, और मैं पागलों की तरह डोलती रहती हूँ, मुझे नजर आ रहा है। मैं कहाँ जाऊँ, मुझे बताओ। मैं समझ नहीं सकता तेरी परेशानी, बट ये सब करने से कुछ ठीक थोड़ी हो जाएगा, हिम्मत रखो। मैं कुछ करना नहीं चाहती हूँ, पता नहीं अचानक से मुझे क्या हो जाता है, मुझे मेरा बच्चा नजर आता है, मैं अपने आप ही अपना काबू छोड़ देती हूँ, मेरे पे खुद का काबू नहीं रहता है, पूरा दिन मैं ऐसी पड़ी रहती हूँ, मैं बाहर तक नहीं जाती हूँ। तुम काम वाम पकड़ो, कोई अपना ध्यान व्यान दो, ये सब करके ऐसे तुम तो अपने आप को बर्बाद कर लोगे पूरा। मैं क्या करूँ आप ही बताओ, ना पति ढंग का है, एक मेरा सहारा था मेरा बच्चा, वो भी मुझे छोड़ के चला गया, मैं कहाँ जाऊँ, मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। आगे रास्ते बहुत है अभी, तुम्हें लग रहा है बस, अब जो हो गया सो हो गया, उसको ये सब करके अपने आप को बर्बाद करने से अच्छा आगे बढ़ो ना, अपने पति को छोड़ो, आगे कोई काम धाम करो। ये सब तुम इतना पागलपन कर रही हो, तुम्हारे पड़ोसी मतलब बता रहे हैं कि यहाँ पे ये सीन है, आत्मा रहती है, भूत रहता है, तुम तो एकदम नॉर्मल बेचारी सी लड़की हो। मैं सबसे पक चुकी थी, मैंने सबसे रिक्वेस्ट मांगी, मेरा पति मेरे बच्चे को मार रहा, कोई तो बचा लो। अब सब हो गया, उसके लिए क्या बोल सकते हैं तुम्हारे पति को? तुम्हारा पति तुम्हारे साथ रहता नहीं है, तुम्हें ये बात भी नहीं पता है, मुझे पड़ोसी बता रहे। मैं क्या करूं बताओ? काम धाम करो, घर से बाहर निकला करो, लोगों से मिलो, अकेले घर में पड़ी पड़ी तो तुम पागल हो जाओगे। मुझे जीने नहीं दे रहे, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, उनको लगता है मैंने अपने बच्चे को मारा, मैं क्यों मारूंगी अपने बच्चे को, अपने बच्चे का बहुत प्यार करती हूँ, मैं क्यों मारूंगी उसको? एक बार बताओ, एक माँ अपने बच्चे को मार सकती है क्या? क्यों मारेगी वो अपने बच्चे को? 9 महीने मैंने पेट में रखा, उसे जन्म दिया, और उसके बाद समाज मुझे उल्टा बोलेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ मुझे इंसाफ मिले, जो मेरे हस्बैंड ने मेरे बच्चे को मारा। तुम्हारा पति कहाँ है? उसको पकड़ के, मुझे नहीं पता कहाँ घूम रहा है। मैं तुम्हारे पति को ढूंढ के लेके आऊंगा, फिर उसके ऊपर केस करेंगे।
चिंता मत करो, तुम पानी वानी पियो, आराम करो, पर ये सारी हरकतें मत करो, इससे तुम्हारा ही नुकसान है, तुम अपने आप को बर्बाद कर लोगे। अगर आप मेरी मदद करना चाहते हो तो उसको सजा दो, मेरे हस्बैंड को। मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा, तुम्हें वादा कर रहा हूँ। उसको पकड़ो, उसे सजा दो, मेरे बच्चों को जैसे। पर तुम ठीक रहो, अपना आराम से रहो, ये सब हरकतें मत करो। मैं देखता हूँ तुम्हारे पति को, ढूंढता हूँ कैसे भी। मैं नहीं करूंगी ये सब। आज ही शाम को पुलिस को तुम केस वेस करा तुमने। मैंने कुछ भी नहीं, मुझे बाहर ही नहीं निकलने देता, जब आता पीता मुझे मारता पीटता है। तुम उसकी वीडियो बना लो एक दिन और मुझे भेज दो। मेरे पास तो कोई फोन ही नहीं, छोड़ो मेरे सारे फोन तोड़ दिए अपने घर वालों। कितने बजे आते हैं? मैं आऊंगा उस टाइम पे डेली, वो 10-11 बजे से पहले नहीं आता। मैं 11 बजे आता हूँ आज शाम को तुम्हारे पास दोबारा। और अपना ख्याल रखो, अपना ये मुंह धुलो, थोड़ा खाना वाना खाओ और ये सारी हरकतों से दूर रहो। तुमने इतना चीज नुकसान कर दिया, पता नहीं क्या क्या फेंका इधर उधर। ठीक है, मैं 11 बजे आऊंगा, ठीक है, पक्का मैं कह रहा हूँ 11 बजे आऊंगा। अपना ख्याल रखना, ठीक है। आप मेरी मदद करोगे तो बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है ना।